सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर फैसिलिटीज़ के बारे में और जो मैसेज आया हुआ है उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, जो अब तक की अपडेट है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो जैसा कि आपको पता ही है भाई, जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो आ चुकी है कि भाई किसी भी जिस स्टेट की अलग अलग ज्वाइनिंग डेट डाली गई है स्टेट के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। तो जो अब अपडेट आई है कि भाई पहले जैसे क्या कहा जा रहा था कि जो हम अपने अगर स्टेट सोसाइटी की बात करें तो यही था कि भाई 18 से 21 तारीख तक आपके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। उसके बाद आपको 26 तारीख से 26-29 आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। बट अब जो अपडेट मिली है वो यही है कि भाई एट द प्रेजेंट, एट द टाइम आपको अपडेट ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें भाई जल्दी से जल्दी जाने की, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी जो जॉब है वो स्टार्ट हो सके, जिसका बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत दिन हो गए थे इंतज़ार करते हुए कि पता नहीं ज्वाइनिंग डेट कब आएगी या फिर और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे, उन सारे क्वेश्चंस जो है सोल्व हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सभी की जो है ज्वाइन डेट आ गई है। अब रही बात, क्योंकि देखो जो कल मैसेज आया हुआ था वो मैसेज भेजा गया था प्रिंसिपल्स को, तो बच्चों ने जो वो ग्रुप पे डाला हुआ था कि भाई उसमें क्या कहा गया, उसमें प्रिंसिपल्स को इस चीज़ की जो है ऑर्डर्स जो हैं वो पास कर दिए गए हैं कि भाई जो आपके स्कूल्स में जो क्वार्टर फैसिलिटी जो टीचर्स के लिए है उसको चेक किया जाए, पानी की फैसिलिटी को चेक किया जाए, बिजली की फैसिलिटी को चेक किया जाए, ताकि जो न्यू स्टाफ आ रहा है उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पहले उन चीज़ों को प्रॉपर जो है 18 तारीख तक की गाइडेंस एमपी में दी गई है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स में भाई जैसे जो भी ज्वाइनिंग का टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी डायरेक्शन सभी प्रिंसिपल्स को इसी तरह से भेजी गई है, ताकि उन चीज़ों को प्रॉपर चेक किया जा सके, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और रही बात, हाँ, आज क्योंकि हमारा जो है एमपी पाती में, जैसा कि आपको पता ही है भाई, वहाँ पर ज्वाइनिंग आई हुई है, तो वहाँ से एक कॉल और आई हुई थी, आपके पास आई या नहीं आई ये भी ज़रूर बताना। वो थी आपकी अकाउंट्स के रिगार्डिंग कि भाई जो एनएएसटी है जिसके थ्रू हमारी ज्वाइनिंग हुई है, तो उन्होंने जिस बैंक से टाई अप किया हुआ है, तो वहाँ से कॉल आई थी। तो जिन किसी बच्चे को आई हो तो ज़रूर बताना कि भाई आपके अकाउंट के रिगार्डिंग सिर्फ, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी ही पूछी गई थी कि आपका पिन कोड क्या है, आप रहते कहाँ हो, ठीक है, यानी कि आपका जो जिससे आप बिलोंग करते हो उस चीज़ के बारे में पूछा गया था कि भाई आपके अकाउंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आई थिंक यही लग रहा है कि भाई सारा का सारा काम बहुत ही जल्दी से किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो बच्चों के एडमिशन्स के लिए जो एग्ज़ाम होता है, देखो मुझे प्रॉपर इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो साइट पे मेंशन की गई थी वो ये थी कि 23 जून को इनका जो है एडमिशन्स के लिए बच्चों का आई थिंक एग्ज़ाम होगा कि भाई किस स्ट्रीम में बच्चे जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए जल्दबाजी की जा रही है, ताकि क्योंकि जैसे जिस स्कूल में हम जा रहे हैं उसमें यही थी कि जिनसे बात हो पाई कि भाई पहले जैसे कॉमर्स स्ट्रीम नहीं थी, क्यों? क्योंकि कॉमर्स की टीचर ही नहीं थी। तो अब जो है बच्चों के क्योंकि रिजल्ट आ चुका है तो एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि भाई कौन बच्चा किस स्ट्रीम में जाने वाला है, ठीक है। और इसीलिए कोशिश की जा रही है अभी स्टाफ के द्वारा, ताकि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग की जाए, और क्योंकि टीचर्स आने के बाद ही ये कन्फर्म हो पाएगा कि भाई किस स्ट्रीम में बच्चे को किस स्ट्रीम मतलब हमारे जो स्कूल है उसमें किस किस स्ट्रीम की टीचर आएंगी, ताकि बच्चों के एडमिशन प्रॉपर वे में किए जा सके, ठीक है। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि बीच का जो टाइम पीरियड है वो कैसे होगा, क्योंकि देखो 4-5 दिन का गैप दिया गया था, गैप भी ज़्यादा ही था, लेकिन अब जो मैसेज आया है, जो मेल आया है, उससे कहीं ना कहीं ये कन्फर्म हो रहा है कि एट अ टाइम आपको, यानी कि सोसाइटी से डायरेक्ट एट अ टाइम आपको स्कूल में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी भाई अगर पॉसिबल हो पाए तो आप जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो सके। भाई जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम आप कब जाओगे, तो पहले हम भाई 20 का प्लान बना हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ से आई थिंक वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को वीक में रोहतक से इंदौर की जो ट्रेन जाती है, बट अब जो है क्योंकि भाई एट अ टाइम ज्वाइनिंग देगी तो
18 को ही पहुंचने की कोशिश की जाएगी कि 18 को वहां पे पहुंचा जाए ताकि ज्वाइनिंग ली जा सके। क्योंकि देखो किसी भी चीज़ में हमें लेट नहीं करना चाहिए। अगर देखो प्रॉब्लम है जो अदर जगह जॉब कर रहे हैं या अदर सिचुएशन है उनका, तो देखो भाई प्रॉब्लम है। लेकिन जो बिल्कुल ये है कि भाई इसी जॉब के भरोसे बैठे हुए थे, अब जैसे हमारी भी छुट्टियां हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटी से भी छुट्टियां अभी चली रही हैं, तो यही है कि भाई अपना वहाँ से अगर आपको पॉसिबल हो पाए तो वहाँ से आप रिज़ाइन देके आगे आप जल्द से जल्द ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी कंफर्म हो सके और हमें भी कंफर्म हो सके। इन केस अगर 1% चांस है भाई, देखो इस बात को बिल्कुल ये मत लेना कि ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर इसको नेगेटिव लेके चले जाते हैं। इन केस अगर ऐसा होता है कि भाई एक दो डॉक्यूमेंट्स में हमारी कोई कमी मिल जाती है या रह जाता है, तो हमारे पास टाइम पीरियड है कि हम उसको ठीक कर सकें। वो कब होगा? जब हम जल्दी जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी जाया जाए, ताकि अगर 1% चांस है कि अगर आपकी कुछ कमी रह जाती है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक की जा सके और आपके साथ में ज्वाइनिंग हो सके। लेकिन अगर आप खुद लेट जाओगे और 1% अगर आपका ये हो कि भाई आपका ये डॉक्यूमेंट्स रह गया या फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपका प्रॉपर नहीं है, देखो ये मेरा मानना है, आपका क्या है ये मैं नहीं जानती, तो इस बात को ये मत लेके चलिएगा कि वहाँ से सभी को वापस, जी नहीं, डॉक्यूमेंट्स हमारे चेक हो चुके हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर चलना है कि इन 1% अगर हमारा कोई कमी रह गई तो हमारे पास टाइम है उस चीज़ को ठीक करने का। लेकिन अगर हम जाते ही 21 को हैं, जाते ही 20 को हैं, तो शायद जो और टीचर हैं उनके साथ हमारी ज्वाइनिंग ना हो पाए, डिले हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी देखो गवर्नमेंट का ऐसा ही काम होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है जिस टाइम पे हमको बुलाया गया है 18, 19, 20, 21 उस तक हम अपना पूरा काम करें, ठीक है। और पॉसिबल यही अच्छा रहेगा, पॉसिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, कोशिश आपको यही करनी है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचा जाए, ठीक है। तो जो पूछ रहे थे कि मैम कब जाओगे, आपकी क्या प्लानिंग है, तो भाई यही है कि पॉसिबल हो पाया 18 को ही जाने की पूरी 100% कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कब कैसे क्या कुछ मिलना होगा, किससे कहाँ पे जाएंगे, जो भी प्रोसेस होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सबसे पहले हमें सोसाइटी में ही जाना है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये मेंशन किया गया है। तो इसीलिए जो आपके जो पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं कि भई ये स्कूल किस संभाग के अंदर आता है, ठीक है, उसी में आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं दूसरे उसमें पहुंच जाओ, तो पहले आप ये चेक कर लेना कि भई आपका स्कूल किस में आता है, ठीक है, किस सब पार्ट में आता है, वहीं पर आपको जाना है। जो पास का एरिया है वहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले सोसाइटी में जाते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर किया जाएगा। फिलहाल यही पूछना था कि भाई जो अकाउंट्स के लिए कॉल आया है किस किस बच्चे के पास आया है, या फिर कुछ ही बच्चों के पास आया है या फिर आने लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ उसमें आपकी जो ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की जा रही है, सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि भाई आप कहाँ से हो, आपका पिन कोड क्या है, आप अब फिलहाल कहाँ पे हो, ठीक है, इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, बाकी और ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अब आप कब जा रहे हो ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी जाने की, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने की, क्योंकि आपकी जो तैयारी है आपको ज्वाइन करने की पूरी फुल स्पीड में चल रही है, फुल कोशिश की जा रही है आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवाया जाए, ताकि बच्चों को जो है अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए जिन बच्चों को दिक्कत है भाई, उनका तो कुछ कह नहीं सकते, उनको तो प्रॉब्लम है क्योंकि किसी और जॉब में जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो पहले वो अपना एरिया देखे उसके बाद ही रिज़ाइन दे। हमारा तो यही कहना, कई सारे बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि मैम रिज़ाइन दे दे या नहीं दे, तो देखो पहले, क्योंकि जिनकी फर्स्ट जॉब है उनको तो देखो करना ही है, लेकिन जिन जो कहीं और जॉब कर रहे हैं वो पहले अपना एरिया देखे, ये देखे कि भाई उसके पैटर कंपैरिजन में उनको कौन सी अच्छी लगती है, क्योंकि पहले वो वहाँ पर कई साल कर चुके हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर ये था यहाँ पर ये है। तो अपनी फैसिलिटीज़ अपनी हर एक चीज़ को कंपैरिजन करके फिर आप रिज़ाइन दीजिए, अपने प्लेस को देखकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दो दिन की बात है, जी नहीं, 3 साल तो कम से कम यहाँ पर बिताने ही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को, हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर तभी रिज़ाइन दीजिए, आप जल्दबाजी मत कीजिए।
ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि भाई जो पहले से जॉब कर रहे हैं वो जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन हाँ जो जॉब में नहीं है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो कोशिश कीजिएगा पॉसिबल हो सके 18 तारीख को ज्वाइन करने की। तो बताइएगा आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसे जा रहे हो, ठीक है, और किस डेट को जाओगे। बाकी जो भी हमारा प्रोसीजर होगा वो आपके साथ, जो भी हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो भी ज़रूर उनके जवाब दिए जाएंगे। देखो पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाती है, जितना हमें नॉलेज होती है उसके बेस पर हम ट्राई करते हैं कि भाई उन बच्चों के जवाब दिए जा सके। लेकिन अगर किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं, या तो वो कमेंट ही ऐसा होता है कि भाई जिसमें ये लगता है कि थैंक यू बोल रहा है, या फिर उनका क्या जवाब दे, ठीक है, या फिर कोई और बात है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं जिनका हम जवाब दे सके, तो हम ज़रूर जवाब देते हैं। क्योंकि हमारे जो चैनल है स्टार्ट करने का मेन पर्पस यही था कि भाई जितनी ज़्यादा हो सके बच्चों की हेल्प कर सके, हमें जितनी नॉलेज है और जितनी आपको है आपसे हम भी नॉलेज ले सके। क्योंकि जब हम कोई बात बोलते हैं तो अगर इनकेस कोई गलत हो जाती है तो बच्चे उस चीज़ को ज़रूर नोटिस करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताते हैं कि मैम आपने यहाँ पर ये मिस्टेक की, आपको आपने ये चीज़ बताया, ये नहीं होती, ये होती है, ठीक है। तो उस चीज़ों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप भी कमेंट कीजिए अगर आपको उस चीज़ के बारे में, या फिर वहाँ पे जा रहे हैं कोई अच्छी बात है कि भाई इस तरह से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या टाइमिंग रहनी चाहिए, आपको किसी टाइप की नॉलेज है तो आप भी ज़रूर बताइए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एमपी से हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता है कि भाई कितना टाइम कहाँ से लगता है, कैसे पहुँचा जाता है, ठीक है। तो आप भी अपनी जो भी नॉलेज है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो आपके क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछिएगा, जितनी पॉसिबल हो पाएगी भाई हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। और बताइएगा कब जा रहे हैं। तो मिलते हैं आगे अपनी इमारत सोसाइटी में ही मिलेंगे, देखते हैं कैसा क्या कुछ हो पाएगा भी, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।